जब आप घबरा जाएं और साहस की जरूरत पड़े तो साहस कहाँ से आता, मन तो टूटा हुआ, बुद्धि साथ नहीं दे रही, प्राण शक्ति कमजोर पड़ गई। अंदर से तब आत्म शक्ति काम करती है, अंदर से फिर तरंगे आती हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो बहुत लोगों के साथ हुआ है, अच्छा समय आएगा। कमजोर पड़ने से रोने से बात नहीं बनेगी, रिपेयर करने वाली शक्ति आत्मिक शक्ति है, वो आपको संभालती है। और जब ये शक्ति क्षीण हो जाए फिर बाहर वाले कितना भी समझाते रहे, नहीं भैया तुम्हारा दिन ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, तो आदमी क्या कहेगा, सब झूठी तसल्ली दे रहे हैं, बाहर से फिर कुछ नहीं बनता। आत्मिक शक्ति का प्रभाव आप देखिए, महात्मा गांधी ने इतने बड़े आंदोलन किए तो एक अकेला कमजोर व्यक्ति ब्रिटिश हुकूमत के सामने टकराने के लिए खड़ा हो गया। आत्मिक शक्ति आती कैसे, तप करने से, वचन कहो तो उस पर टिक जाओ। इसलिए जो शायर लोग कहते हैं ना कि जहर क्यों ढूंढते हैं जान के लेने वाले, मरने वाले तो फकत अपनी बात पे मर जाया करते हैं, एक बात कह दी उसी पे अपनी जान लुटा देंगे लेकिन बात को इधर उधर जाने नहीं देंगे। तो ये अटलता, ये शक्ति आती है आत्मिक शक्ति के कारण। अपनी बात पर टिको, नियम निभाओ, अनुशासन में रहो। शरीर की ताकत के पीछे आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल बहुत बड़ा काम करता है।